Uh, hello, viewers. Uh, today we are going to discuss uh, issues uh, those are faced by children in during the developmental phase uh, in uh, psychosocial development. And uh, we are going to discuss today risk uh, factors of child abuse. There are uh, many risk factors due to which uh, this happened. बच्चों के साथ इस तरह का सलूक होता है और उसमें सबसे अहम जो ना है ना डोमेस्टिक वायलेंस है घरों के अंदर पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं और एक दूसरे को बाद दिया है कि फिज़िकल वायलेंस भी में देखने में आता है और इसमें यह है कि दिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली डैमेजिंग बच्चे पेरेंट्स को एक्शन में देखते हैं और वो एक्शन जो है ना वो एक मॉडल के तौर पर अपनाते हैं और फिर यह है कि वो अपने आप को भी उसी तरह से फील करते हैं और फिर यह है कि ये लाउड वॉइस हार्श वर्ड्स और फिर यह है कि दार्श ट्रीटमेंट इज़ नॉट एक्सर्टिंग गुड मॉडल ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट तो उसमें बच्चा आप एक ऐसा मॉडल इख्तियार करता है जो भरल एक हेल्पफुल सिचुएशन नहीं होती इसमें हम देखना चाहते हैं कि सम टाइम अल्कोहलिज्म और ड्रग यूज़ जो है ना वो भी आ, बच्चों के लिए पेरेंट्स का इस्तेमाल जब होता है तो वो बच्चों के लिए नुकसानदेह है कि वो आ, उनके सामने जब आ, उस कैफियत में होते हैं कि जिसमें उनकी जहनी कैफियत उस तरह से नहीं होती जो सेहतमंद वालद की होती है तो उससे मेल ट्रीटमेंट जो है न वो सामने आता है और बच्चे उससे यकीन मुतासर होते हैं बाजा अकाज़त यह है कि पेरेंटिंग में रहते हुए बहुत सारे डिसन ऐसे हो जाते हैं जो बाद बच्चों के लिए गलत साबित होते हैं बच्चे उसमें यह ना उसका शिकार होते हैं और उससे मुतासर होते हैं और उसमें ड्रग एब्यूज़ ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट है कि मेडिसन के इस्तेमाल से और बाद जो है कि इस तरह की मेडिसन जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है और उसके बुरे असर मुरतब होते हैं तो बच्चे उसको देखते भी हैं बच्चों पर उसके रिएक्शंस भी मुरतब होते हैं और उन पर सूरत इस तरह से भी साबित हो सकती है और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अनट्रीटेड मेंटल इलनेस है सम समाइम एक ऐसी जहनी कैफियत है स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन है या एंगजाइटी डिसऑर्डर है उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता पेरेंट्स और उसके तमाम तरह के असर जो है ना वो बच्चों के साथ जब रिलेशनशिप कायम होते हैं वालदेन के तो उस पर बच्चे मुतासर होते हैं और बच्चों पर उसके असरात नेगेटिव पड़ते हैं बच्चे वो रिलेशनशिप वालदे के साथ कायम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते और वो डिप्राइव रहते हैं और फिर यह है कि बच्चों के साथ उनका ताल्लुक बेहतर होना चाहिए लेकिन ऐसा बीमारी की वजह से या उस हेल्थ इलनेस की वजह से ऐसा होता है और ऐसी सूरत में अगर इग्नोर किया जाए और वेल ट्रीटेड सिचुएशन ना हो तो बच्चे यकीन मुतासर होते हैं और ये चाइल्ड एब्यूज़ में शुमार किया जाता है इसके बाद रिस्क फैक्टर जो है ना लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल्स पेरेंटिंग स्किल एक बाकायदा वेल ट्रेन पेरेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है और इसमें बहुत सारी गुड पेरेंटिंग की स्किल्स हैं हाउ दे ट्रीट हाउ दे टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन उनकी नीड्स को किस तरह फुलफिल फिल किया जा रहा है उनको किस तरह के अल्फाज से उनको बूस्टअप किया जा रहा है उनको इनक्रेज किया जा रहा है और फिर यह है कि किस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस कायम की जा रही हैं और उन एक्सपेक्टेशंस के लिए उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है और इसमें यह है कि बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों छोटे बच्चों के लिए भी अल्फाज जो है ना वो काउंट करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू से और समझदार वालते हैं जो वो अपने बच्चों के लिए पढ़े जचे तुले अल्फाज बोलते हैं जो उनकी शख्सियत की तमीर का हिस्सा बनते हैं थैंक यू वेरी मच